वेलकम बैक। तो अभी हम लोग रूम में से निकल चुके हैं और अभी हम जाएंगे कुछ खाने के लिए, देखते हैं क्या मिलता है। मैंने एक छाता लिया इन लोगों से जहाँ मैं रह रहा था धर्मशाला से, तो पीछे वहीं हम मैं रुका हुआ। तो गाइस धर्मशाला में कोई कॉस्ट नहीं होता, 0 रुपीस, नो चार्जेस। एंड शर्त ये थी कि मैं उनके यहाँ से प्रसाद ले लूँ, तो मुझे पड़ा टोटल 500 रुपीज़ के आसपास प्रसाद, और मतलब उसमें चुन्नी और सब कुछ मिला के। और वही रूम का कॉस्ट अलग नहीं लेते वैसे, धर्मशाला है। तो अभी हम आ गए बस स्टैंड पे, देखें जरा क्या हो रहा है। और ये बच्चे लोग चढ़ाई कर रहे लगता है। तो यहाँ पर तो गाइस ये है बस स्टैंड, चलो दिखाते हैं अच्छे से। तो गाइस ये देखिए, यहाँ से नीचे आते हैं बस स्टैंड पे लोग, और ये बसेस लगी हुई है। ये है कटरा का मेन बस स्टैंड, और यहाँ से देखो बच्चे लोग जा रहे हैं, चढ़ाई करने जा रहे होंगे। और वहाँ पर वो जो ऑरेंज वाली बस है उसके पीछे शुद्ध भोजन आलय और होटल्स, ये टॉयलेट। अब हम एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर यहाँ हो ना तो आपको कुछ कुछ अलग अलग टाइप के ऑप्शंस मिल जाएंगे रहने के लिए। तो पहला ऑप्शन है कि आप यहाँ पर 500 रुपीज़ एवरेज मान के चलो एक रूम, जो कि रूम ठीक ठाक होगा। अगर कोई बजट ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पर देखो कुछ जलवा नहीं मतलब है यहाँ का, ये देखिए टैरिफ, डबल बेड 850, फोर बेड 1250, डबल बेड 1450, फोर बेड फिर से फेज टू एसी रूम, अच्छा नॉन एसी एसी। अब शक्ति भवन एक जगह जहाँ डॉर्मेट्री 100 रुपीज पर बेड, आशीर्वाद भवन में डॉर्मेट्री 110 रुपये पर बेड। तो ये सारे ऑप्शंस है, और आपको यहाँ पर अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ से देखिए अगर किसी को यहाँ चाहिए तो यहाँ पर सब कुछ मिलता है। ये दे सकते हैं मेन्यू यहाँ का, ध्यान से देखिए अगर कुछ खाना है तो। मैंने टेस्ट नहीं किया क्योंकि मैं कुछ और खाऊंगा बाहर जाके। ये देखिए खाली पड़ा हुआ है आज, ऐसा सफाई तो है लेकिन ज़्यादा लोग नहीं है क्योंकि बारिश भी आ रही है। देखिए बाहर पूरी बारिश है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ से काउंटर है, ये देखिए ये जो है ना भोजनालय, यहाँ काउंटर है, यहाँ से हमें जाके टोकन लेना पड़ेगा और टोकन लेके इनको देना पड़ेगा, और ये फिर बाद में हमें दे देंगे खाना। तभी हम चलते बाहर और किसी और रेस्टोरेंट में चलते हैं। देखिए हम ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ किसके यहाँ खाएं। उधर भी है मौसम भाई साहब खतरनाक, पुलिस स्टेशन कटरा। ओके शॉर्ट है ना, ये एक शॉर्ट है, अच्छा 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 अब इधर का देखते हैं क्या है। ये थाली है भैया, कितने की थाली है? 80 रुपए की। चार रोटी, चावल, दाल फ्राई, सब्जी और कड़ी पूड़ा थाली में आएगा, इसमें आएगा। अच्छा ये है, इसके अलावा चार रोटी और है। चार रोटी है, चाहे तंदूर की लो चाहे तवे की, कोई भी नहीं, ये भी ठीक है, बढ़िया थाली है भाई। इधर लगा रहे हैं, हाँ सही है। आपके दुकान को दिखाता हूँ, कौन सी दुकान है, मैं किसमें आया मुझे भी याद रहना चाहिए। क्या है तो गाइस ये है ब्रेकफास्ट मेन्यू, पूरी छोले 60 रुपए एंड ऑल, धीरे धीरे देख लो आप। दाल फ्राई 60 रुपए की है, ये बिल्कुल बस स्टैंड पे है, कहीं और नहीं जाना है। तो पलटते हैं मेन्यू, तंदूरी नान, बटर रोटी, रवा रोटी,
प्लेन थाली, ये प्लेन थाली सबसे ज्यादा चलती है यहाँ पर, सर्व विद फोर रोटी हाफ ब्रेड। तो गाइस हमने खाना वाना खा लिया है और अब हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे। तो जो भी यहाँ पर आता है तो सबसे पहले उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अपना। देखिए रजिस्ट्रेशन करने की जगह बिल्कुल उस तरफ देख लो, यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर। तो यहाँ पर क्या होता है कि सुबह 5 बजे खुलता है ये और रात 10 बजे तक होता है। अब रात 10 बजे के बाद यहाँ पर पर्ची नहीं बनती, मतलब आपको पर्ची लेनी पड़ेगी। और एक जगह है जो मतलब एंट्री पॉइंट है, वहां पर आपको क्रॉस करने के लिए 6 घंटे का टाइम दिया जाएगा पर्ची के टाइम से। मतलब मान लो 10 बजे की पर्ची है तो 10 बजे से अगले 6 घंटे के लिए आपको वैलिड है वो पर्ची। यहाँ से मैं भी पर्ची बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये तो अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर, देखते अंदर वीडियो बना पाया तो पढ़ा पाया। और तो हमने वो मेन बस स्टैंड जहाँ से नीचे जाते हैं और वहां पर जो गाड़ियां लगी हैं, देख रहे हो दो, तो ये जो बंदा जा रहा है उसके पीछे, तो वहां पर हमने खाया था। और अभी हम जाएंगे पंजीकरण कराने, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, देखते हैं उससे होता है काम। से आधार कार्ड मेरा तो जमा है होटल में। तो ये रहा मेन मार्केट। तो क्या क्या लिखा है देखते हैं। लाइन में जाइए भाई साहब, बहुत लंबी लाइन है, इतनी लंबी लाइन मैंने कभी नहीं देखी। और पानी बरस रहा है भाई, छाता बंद करो भाई, हमारे होटल वाले भाई का छाता, जबरदस्त छाता। अरे देखो पानी, देखो मेरे जूते, देखो पानी पानी पानी, अभी हम आ सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया ये देखो मास्क, मास्क कोई मास्क नहीं। तो अभी हम यहाँ पर जाएंगे अंदर, बच्चे फोटो खिंचा रहे हैं, बहुत ही शानदार ये एंट्री पॉइंट। नो मास्क नो नो एंट्री, सॉरी मेरे सब फट गया। तो भाई मेरे पास आ गया है मास्क जादू से, ये अपना जादू। तो चलते हैं अभी हम लाइन में लगेंगे ऐसे। भाई लाइन देखो मेरे पीछे, मेरे आगे लाइन देखो भाई, कितनी सारे पब्लिक भाई, पब्लिक बिल्कुल नहीं है अभी इस टाइम पे। तो हमारे पास 4-5 घंटे हैं, मतलब 2-3 घंटे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर लिखा है थूकना मना है, इन्फॉर्मेशन फॉर यात्रीज, ये देखते हैं पहले लिखा हुआ है। रेनकोट्स आर अवेलेबल एट ऑल द व्यू पॉइंट्स ऑफ और वेराइटीज फ्री ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट डिफरेंट, 300 रुपये। ओके 300 रुपये दे के रेनकोट ले सकते हैं। यात्रियों को सूचित किया जाता है कि व्यू पॉइंट पर अग्रिम 300 रुपये, सेम चीज़ है, पढ़ लेना गाइज ध्यान से। और ये देखो यहाँ पर एक फ़ोन नंबर भी दिया है, इनकेस आपको ज़रूरत है तो इस फ़ोन नंबर पर आप कभी कभी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया हुआ है, शायद काम करे। अब हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं कोई मिलता भी है कि नहीं। हाँ आ गया हूँ, जब अभी पता चला है कि यहाँ पर कुछ दिखाना नहीं है, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ना ही आधार कार्ड, आपको सिर्फ अपना नाम बताना है, शहर का नाम और डिस्ट्रिक्ट, तो आपको पर्ची मिल जाएगी। कुछ नहीं, बहुत ही अच्छा, कोई झंझट नहीं, कागज वागज का। सो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, आज है day 2। कल रात को मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था जब मैं ऊपर गया था रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, वहाँ उन्होंने वीडियो बनाने मना किया था, तो मैंने वीडियो बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया और बारिश इतनी हो रही थी रात भर, पत पूछो मत। फिर मैं जैसे आया यहाँ पर इतना थक गया सो गया। तो गाइस ये है फ्री का रूम, मतलब जो धर्मशाला का कमरा है जिसमें मैं हूँ अभी, कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो सुबह के 5:30 बजे हैं, तो मैं क्या करूँगा अब, अभी मैं सामान पैक करता हूँ सबसे पहले। देखो सारा फैला हुआ है, ये देखो भाई बहुत टाइम लगेगा, ये देखो सामान पैक।
और जो सामान है मेरा उसको मैं यहीं पर रखूंगा, इसी धर्मशाला में लॉकर रूम में। यहाँ पर एक लॉकर रूम सा बना रखे, एक रूम है मतलब लॉकर रूम क्या, सबका सामान वहीं जमा हो जाता है, पर्ची मिल जाती है, कोई चार्ज नहीं उसका भी। तो फिर हम लॉकर रूम से निकलेंगे, अपना सामान रख के ये रूम खाली कर देंगे क्योंकि कोई और आए वो रह सकता है। लॉकर रूम से निकलेंगे और यहाँ से जाएंगे हम पुराने वाले रास्ते से जो कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है। क्या करूँगा अब, अभी जाऊँगा पहले पर्ची निकालूंगा और साथ साथ निकल जाऊँगा। तो इसमें क्या, सुबह 5 बजे से स्टार्ट होती है पर्ची देना, रात को 10:30 बजे तक। और इसमें कोई आपको आईडी प्रूफ नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, सिर्फ नाम और अपना एड्रेस बताना है और आपको पर्ची मिल जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अभी, तो मैं तैयार होता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे कुछ कहीं चाय पी लेंगे पीना होगा, नहीं तो फिर रजिस्ट्रेशन वाली जगह चलते हैं। हमारे माता की पहली कन्या, यहाँ पर माँ बाप ने बच्चों को छोड़ दिया रोड पे, 10 रुपये दो, ये दो, वो दो।